इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी और आपका स्वीट होम प्रोडक्शन की तरफ से आज हम माधापुर विलेज जिला हापुड़ के अंदर आज उपस्थित है और हमारे मित्र है संजीव त्यागी जी। आज हम उनके आवास पर आए हुए हैं उनके क्षेत्र में घूमने के लिए और आज हमारे घनिष्ठ मित्र है हमारे संजीव दत्ता जो कि दिल्ली के रहने वाले और स्वीट होम प्रोडक्शन के ओनर है और संसार इंडिया न्यूज चैनल के ओनर है, मतलब दोनों के ही ओनर है और इनका जो वर्क है स्वीट होम प्रोडक्शन और आपका संसार इंडिया न्यूज चैनल, देश के अंदर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है जो किसानों की आवाज है या जहाँ पर अन्याय है उसकी अन्याय की जो आवाज है लोगों की वो सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारी पूरी टीम में इनका सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। जिस पर्पज से ये अपने चैनल को चला रहे हैं, जिस देखने के लिए, जिस स्थिति के लिए, लोगों की स्थिति सही ठीक करने के लिए जो इनका वर्क है, इनको बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कम होते हैं जो अपने चैनल को पब्लिक सर्वेंट में लगाते हैं, मतलब पब्लिक के लिए लगाते, बहुत सारे कम चैनल होते हैं लेकिन एक संजीव दत्ता है जो लोगों के बारे में सोचते हैं। और हमारे संजीव त्यागी जी भी है, ये भी बहुत नेचर के हमारे बड़े भाई साहब हमारे साथ संग खड़े हुए हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे इनके विचार है और अच्छी तरीके से लोगों की मदद भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा भाई साहब कि आप भी दो शब्द हमारे दर्शकों को बताएं कि आगे जो है लोगों की किस तरह से मदद करनी चाहिए, अपने बारे में थोड़ा सा एक गाइड दीजिए। संजीव दत्ता जी, अच्छा लॉकडाउन में बहुत अच्छा इन्होंने सहयोग किया है हमारा और हमारे यहाँ कई दो बार तीन बार आए भी हैं जी जी। और हमारे इमरान जी हैं, इनका भी बहुत सहयोग है और ये हमारी कोई भी समस्या होते हैं उसको समाधान भी करवाते हैं और आते भी हैं। और हमारे संग खड़े हुए हैं जो कि स्वीट होम प्रोडक्शन के ओनर हैं संजीव दत्ता जी और उनके पास ही हम दिखाने जा रहे हैं आपको संजीव त्यागी जी जो कि माधापुर के रहने वाले हैं। और माधोपुर दोबारा से आया हूँ इमरान सैफी जी के साथ, संजीव त्यागी जी और हमारे बड़े भाई त्यागी साहब, क्योंकि लॉकडाउन में जब मैं यहाँ पे आया था 22 जनवरी को जनता कर्फ्यू लगा था, सारे देश को पता है इस चीज़ के बारे में। और जब जनता कर्फ्यू लगा था तो उस टाइम पे हमारी कुछ मूवीज़ भी आ रही थी, रस्ते के वस्ते जैसी पंजाबी मूवीज़ जो हम लोग अलेक्सा पे हमने उसको फिर ऑनलाइन रिलीज़ किया था। मगर जब लॉकडाउन में मैंने पब्लिक की हालत देखी कि लोग बाग पैदल चल रहे हैं, 500-500 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं और खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने कहा भाई इस टाइम पे अगर हम जैसे लोग आगे नहीं निकलेंगे तो वो जो गरीब लोग हैं उनको कहाँ से कुछ मिलेगा। तो मैंने राशन, फूड, जूसेस, मैंने ये सब चीज़ें बांटनी चालू करी, बसेस लगाई। बसेस लगाने के बाद मेरे को थोड़ा मार्गदर्शन सैफी साहब देते थे कि दत्ता साहब आप ऐसे कर लो, सर आप ऐसे कर लो, ये चीज़ें चलती थी। और अब अनलॉकडाउन 5 आ चुका है हमारे देश के अंदर, बट जो कोरोना की एक लिमिट थी स्टार्टिंग में 500 पेशेंट और आज 4000 से ऊपर पेशेंट दिल्ली जैसे शहर में भी हो रहे हैं, मगर आज पब्लिक जो है बिगर रुके काम कर रही है अनलॉकडाउन 4 में। और जो स्वीट होम प्रोडक्शन है, स्वीट होम प्रोडक्शन का एक ही उद्देश्य है कि जैसे ये तान्या खड़ी है, नेहा खड़ी है, कि अगर आप फेस को लेके या पर्सनैलिटी को लेके अगर आपका किसी एक्टर के ही बच्चों को ला सकते हैं, नहीं, अगर आप फ्रेश फेस, अगर मिडिल क्लास की ये मिडिल क्लास से बिलोंग करती है तान्या और ये भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, और सबसे बड़ी चीज कि नेहा जो है एक मॉमडन गर्ल है और टैलेंट इसके अंदर बहुत अच्छा है और तान्या ऑलरेडी सॉन्ग्स वगैरह करती है अपने, इसने काफ़ी सॉन्ग्स किए हैं, अब आज ये हमारे शूट पे भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको समझाना नहीं पड़ता है। और अगर ऐसे लोग, ऐसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऐसे आर्टिस्ट अगर आगे निकलेंगे, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत जी को कोई नहीं जानता था पूरे इंडिया में, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से काम किया। जब मेहनत और लगन से काम करते हैं ना, तो चाहे वो मेरी होम प्रोडक्शन, स्वीट होम प्रोडक्शन ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर टैलेंटेड लोग हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो उनको मेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक फ्रेम दिखा सकता हूँ कि ये फ्रेम आपके लिए है, आपने करना है और आपने कैसे करना है। अगर किसी को सक्सेसमेंट चाहिए बच्चे को, तो वो हमारी आके स्वीट होम प्रोडक्शन को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें डांस एकेडमी से लेके ग्रूमिंग तक है, कोरियोग्राफी है और टीवी सीरियल्स हैं। अभी हमारी महादेव शक्ति की सीरियल की शूटिंग स्टार्ट हुई है जयपुर से, और
और ऋषिकेश में भी हुई है उसकी शूटिंग। अब कुछ पुराने आर्टिस्ट जाने के बाद कुछ नए आर्टिस्ट जो फ्रेम पे लाके रखे हैं, जैसे कि हम पहले एक ही चेहरे को हम आगे रखते थे, अब वो चेहरा हटके मिस इंडिया 2020 में जैसे प्रीति राणा जी हैं, संजना वर्मा है, और ये सॉन्ग शूट्स में हमारे साथ ये तानिया जी हैं, नेहा है, और भी गर्ल्स हैं हमारे पास, मनीषा है, शिंचो है और जानवी है, कि इन बच्चों में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लड़कियों में टैलेंट इन द सेंस नो वल्गैरिटी, नो डिस्कस्टिंग, अपना काम करना है और ईमानदारी से करके शिद्दत के साथ आगे एक फ्रेम बना लेना है। क्योंकि कुछ लड़कियां मैंने देखी हैं, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लड़कियां क्या कुछ फ्रेम के लिए आती हैं और फ्रेम लेके वो अली बाबा 40 चोर की तरह गायब हो जाती हैं। तो मेरी स्वीट होम प्रोडक्शन से यही कहती है कि आप वर्क करो, आपका टैलेंट है, आपके अंदर है टैलेंट, आप निकालो और आपको अच्छा सक्सेसमेंट मिलेगा। अब जैसे कि हम 7 स्टेट के अंदर, यूपी में फ्रीलांसिंग ब्रांड एम्बेसिडर, महाराष्ट्र मुंबई में फ्रीलांसिंग ब्रांड एम्बेसिडर, गोवा में फ्रीलांसिंग ब्रांड एम्बेसिडर और मिस इंडिया 2020 जो कि 3 नवंबर को अब वापस छठा राउंड होने जा रहा है, उसके अंदर सेलिब्रिटीज ही आ रही हैं। जुडिशली जो भी जूरी मेंबर्स हैं वो सारी एक सेलिब्रिटीज हैं, जो पहले स्वीट होम प्रोडक्शन ने वर्क किया। अच्छे दिन और बुरे दिन हर किसी के साथ चलते हैं। टैलेंट के लिए आज हम जैसे कि माधोपुर में संजीव त्यागी जी के घर आए हुए हैं, इनके जो खेत खलिहान है, हमने कहा जी हम शूट करेंगे, उन्होंने कहा त्यागी जी ने कि जी आपका अपना ही घर है, आपके अपने खेत है, आप जो मर्जी कीजिए। ये एक दिल होता है मिला हुआ, क्योंकि जब मैं लॉकडाउन से आ रहा हूँ इमरान सैफी जी के साथ, तब से त्यागी परिवार के साथ मेरा एक ऐसा अटैचमेंट है कि मेरे एक स्टेटस में मेरे फादर की तबीयत का कुछ लगा हुआ था तो तुरंत मेरे पास फोन आ गया कि क्या प्रॉब्लम होगी हम आ जाए। ये एक प्यार है, अटैचमेंट और प्यार जो मुझे माधोपुर जिला हापुड़ से मिल रहा है, दिन रात ये हमारे लिए खड़े। हम जैसे कल रात को आ रहे थे, हमें हापुड़ में रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं हुए, तो त्यागी जी ने और सैफी जी ने कहा जी आप सीधा घर क्यों नहीं आए, आप लड़कियों के साथ हो, आप बाहर क्यों रुके। तो ये एक पारिवारिक अटैचमेंट है। और स्वीट होम प्रोडक्शन आज 1K इंस्टाग्राम पे कंप्लीट कर चुका है, और सेकेंडली जो अभी एक रेप हुआ है और बहुत ही घनौना काम हुआ यूपी के अंदर हाथरस में, उस युवती को मैं 1 लाख रुपया अपने न्यूज़ चैनल संसार इंडिया की तरफ से भी डोनेट कर रहा हूँ। वो बच्ची तो वापस नहीं आएगी, पर कम से कम परिवार वालों को कुछ सपोर्ट कि कुछ पॉलिटिशियन जाते हैं आ जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उस बच्ची के परिवार से मिलके उनको वो चेक हैंडओवर करके अपने संसार इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं अपने आप को एक संतुष्टि पाऊंगा। क्योंकि गया हुआ बच्चा तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर हम उस परिवार की वो मदद कर सकते हैं कि हम और हमारा न्यूज़ चैनल, हमारी होम प्रोडक्शन, मेरी पूरी टीम, हम लोग आपके साथ हैं। अब जैसे तानिया रात को 10 बजे भी अकेले आ जाती है शूट पे, मगर एक लड़की जब रात को 10 बजे निकलती है तो उसके पीछे बोलने वाले बहुत से लोग खड़े होते हैं, वो एक मेंटेलिटी और एक सोच का फर्क होता है। और स्वीट होम प्रोडक्शन में अभी 22 जनवरी को हम जंग की आखिरी रात रिलीज करने जा रहे हैं, सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ है वो मूवी, स्टेप मूवी हमारी पंजाबी, वो भी सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ है। और जो अब मेरी एक वेब सीरीज आ रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ एक हरियाणा के ऊपर थीम बनाया गया है, जो बेटियों के साथ कपोषण में ही मार दिया जाता था या उनको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था माँ के पेट में। ये पिक्चर वेब सीरीज मेरी जो है 30 एपिसोड, उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बेटी है, आज ये बेटियां ही कुछ करके दिखा रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि लड़के नहीं करते हैं, बट आज की डेट में लड़कियां आगे भी जा रही हैं, आगे बढ़ भी रही हैं और अपने देश के लिए अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर रही हैं। बाकी स्वीट होम प्रोडक्शन से और संसार इंडिया से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे अपना प्यार सा ही मिलता है।